हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है साइंस करियर क्लासेस में। मेरा नाम है अनुराग और 9th क्लास में हम जो है चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस कर रहे थे। तो इसका अगला टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर किसी मैटर का, किसी सब्सटेंस का, उसको टेम्परेचर बढ़ाने पर या फिर कम करने पर जो है क्या चेंजेस आते हैं। मतलब टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे आज अपन कि चेंज ऑफ टेम्परेचर का किसी भी मैटर कि स्टेट पर क्या चेंज जो है आता है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने दो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे और ये शो करते हैं कि जो है टेम्परेचर चेंज करने पर मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज करती है। यानी सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मैटर का वो क्या करती है, अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। यही अपना टॉपिक है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो ये हम देखेंगे। तो दोनों डायग्राम में ये शो कर रखा है। फर्स्ट तो है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी 1.12। तो ये है, इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट आपको देखना है। इसमें डायग्राम दोनों दिए हुए हैं, बुक में भी देख सकते हैं आप। और ये जो है इसमें अरेंजमेंट में क्या कर रखा है, एक आयरन स्टैंड ले रखा है, एक थर्मोमीटर लिया है, बीकर है उसमें आइस क्यूब्स लिए हैं। ठीक है, और इसको एक बर्नर से जो है अपन इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, यानी गर्म कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारा अरेंजमेंट होगा इसमें। अब क्या करते हैं कि जैसे अपन जो है इसका टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर देते हैं किसको, आइस क्यूब्स को। तो ये क्या होती है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मतलब आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। इसका मतलब सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या हो गया, सॉलिड टू लिक्विड। इसी को अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी मैटर चेंजेस स्टार्ट कन्वर्टिंग इंटू ओनली एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट कन्वर्टिंग इंटू लिक्विड। मैं आपको अभी डेफिनेशन लिख दूंगा इसकी। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, एक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आएगी, मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट कन्वर्टिंग इंटू लिक्विड। तो ये जो है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी। अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, फिर है बेटा यहाँ एक जो एक्टिविटी है, इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। फिर अपन इसी, यही अरेंजमेंट है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो वाटर कन्वर्ट हुआ ठीक है, उससे क्या करते हैं हम, उसमें और टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं उसका। तो यहाँ तो देखो क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, थर्मामीटर में जो रीडिंग आएगी वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आइस जो है कन्वर्ट होगी वाटर में, और वो जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर में वही उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसका, आइस का। फिर है यहाँ पे वाटर जो है इसको और अपन हीट दे रहे हैं और अपन इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा स्टीम में, वाटर वेपर्स में। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर रीडिंग कर लेगा, रीडिंग लेगा कि किस टेम्परेचर पे जो है ये वाटर कन्वर्ट हो रहा है, किस में, स्टीम में। ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब उस पर जो है वाटर स्टार्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, स्टीम में, वाटर वेपर्स में। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूंगा। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब चेंज टेम्परेचर चेंज करने पर कोई भी मटेरियल जो है अपनी स्टेट चेंज करता है। ठीक है बेटा, तो अब जो है हम इसमें जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमने अभी एक्टिविटी की, उसमें टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट होता है। तो उसमें आगे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने पढ़ी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, सॉलिड को, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं ज़्यादा स्पीड से, मोर स्पीड से। ठीक है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज ड्यू टू दिस पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। द एनर्जी सप्लाइड
बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. मतलब जो एनर्जी हम देते जा रहे हैं उससे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के बीच में है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यानी उसको ओवरकम कर जाती है वो, ठीक है, हीट. और ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड, ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे ही हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सॉलिड्स को, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ज़्यादा स्पीड से जो है मूव करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो उनके जो बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो उनका बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो है सॉलिड्स मेल्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में, ठीक है. फिर है नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा. क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा कितना, 273.16 केल्विन, या इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस. क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. केल्विन में अपन मेज़र करेंगे तो जो है 273.16 केल्विन, और अपन डिग्री सेल्सियस में इसको लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ये इतना आपको क्लियर होना चाहिए. फिर है नोट करके फिर से एक जो है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूज़न, ठीक है बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न. ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, व्हाट इज़ फ्यूज़न. फ्यूज़न क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट. मतलब मेल्टिंग का मतलब भी क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज़ नोन एज फ्यूज़न, ठीक है. क्या बोलते हैं इसको, फ्यूज़न बोलते हैं बेटा, ठीक है. तो ये भी आप ध्यान रखें, तो फ्यूज़न आपको क्लियर होना चाहिए. फ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज़ नोन एज फ्यूज़न. और फिर बेटा लेटेंट हीट, एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट विच गेट्स यूज अप इन चेंजिंग ऑफ द स्टेट. यानी किसी भी मैटर की जो है स्टेट चेंज करने में जो हीट काम में आती है, यूज्ड होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट. लेटेंट का मतलब ही होता है बेटा हिडन, ठीक है. लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी हिडन एनर्जी जो किसी मैटर की स्टेट चेंज करती है, ठीक है, ऐसे समझे आप लोग. तो इसमें जैसे अपन देखते हैं कि जब आइस को हम जो है ये एक्टिविटी जो हमने की उसमें आइस को हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है कि आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन थर्मोमीटर रीडिंग सेम शो करता है. मतलब उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होता, हम हीट तो देते जा रहे लेकिन थर्मोमीटर में रीडिंग में जो है टेम्परेचर सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कोई इंक्रीज नहीं हो रहा उसमें. क्यों, अपन हीट देते जा रहे हैं और ये हीट कहाँ काम में आ रही है, उसकी सॉलिड जो है ना सॉलिड क्यूब्स उनको कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड में, मतलब स्टेट चेंज करने में काम में आ रही है ये हीट. तो इस हीट को, ये हीट जो है ना ये हिडन है, और ये कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, जो बीकर है आइस क्यूब है इनमें एब्जॉर्ब हो जाती है और ये स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है. तो इसको बोलते हैं हिडन एनर्जी या फिर लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट, जो स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है. ये आपका जो है चैप्टर, मतलब इसमें इतना क्लियर होना चाहिए आपको. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और आगे के टॉपिक. तो मिलते हैं अगली क्लास में. जाने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें. तो मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.